whole city. भाई साहब काफी मजा आया यहाँ पर, और साइकिल एकदम कूद गई थी स्टंट वाले में। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। अभी दिन का भोजन हो चुका है और अभी चलते हैं साइकिलिंग के लिए। सभी भाई आने वाले हैं, पूरी टीम के साथ जाएंगे, तो सभी से बात भी हो चुकी है, तो अभी चलते हैं। तो जहाँ पर अभी हमें जाना है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और आज हमारे टीम में तीन बंदे हैं, पंकज है और आगे भी सेकी जा रहे हैं। और ज़्यादातर जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमारे साइड में नहर रहती है, आज भी नहर है साइड में। तो जहाँ पर हमें पहुँचना था वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़बरदस्त है। आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं और एक साइड नहर है। और आज की इस वीडियो में आज फिर करने वाला है मस्ती और तबाही, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। और यहाँ पर ऑफ रोडिंग के लिए पीछे बाघ है, तो ऑफ रोडिंग भी बढ़िया होने वाली है और काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। पंकज उधर खड़ा हुआ अभी वीडियो बना रहा है, और अभिषेक जी भी उधर ही है, उधर ही चलेंगे, उधर ही वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ से वहीं पर चलते हैं जहाँ पर पंकज और अभिषेक जी हैं। अभी यहाँ से थोड़ा नीचे ढलान टाइप का रास्ता है, तो आराम आराम से चलते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ से अभिषेक जी भी आ रहे हैं वीडियो बनाते हुए, यार अभिषेक जी वीडियो बनाते हुए, और पंकज सामने खड़ा है। देखो इधर जो नहर है ना, यहाँ साइड साइड में पानी कम है, तो थोड़ा चलेंगे, यहाँ पर ठंडा पानी है, काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। और पंकज यहाँ पर खड़ा है, इसने अपनी वीडियो बनाई है। आपको मैं इसकी पीछे की साइड दिखाता हूँ, जहाँ से नहर निकल के आ रही है ना, क्या ही ज़बरदस्त नज़ारा उस साइड से आ रहा है। देखो ये देखो, आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लुकिंग आ रही है, पानी निकल रहा है, और जो लहरें बन रही है ना, लहरें बड़ी ज़बरदस्त लग रही है और सुंदर भी काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ का नज़ारा काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है, और देखो कितनी चौड़ी है, काफ़ी लंबी चौड़ी नहर है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हो रहा है ना साइड में लहरें आप बन उठी है, लहरें उठ रही है, ऐसे ही बीच में जितने दर्रे हैं सब में ऐसी होता है। और काफ़ी चौड़ी नहर भी आप देख सकते हो, कितनी चौड़ी नहर है यहाँ पर। अब करते हैं ऑफ रोडिंग, और यहाँ से आप देख सकते हो ये रास्ता है काफ़ी दूर तक है ऑफ रोडिंग के लिए, और उधर थोड़ा पीछे रास्ता है, पीछे भी थोड़ी ऑफ रोडिंग करेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो भी वहीं पर चलते हैं ऑफ रोडिंग करने के लिए। तो अभी यहाँ पर तो काफ़ी देर ऑफ रोडिंग कर ली, अब चलते हैं दूसरी साइड पर, और यहाँ से भी नीचे से जाएंगे, दूसरी साइड चलते हैं। अभी दूसरी साइड भी ऑफ रोडिंग का काफ़ी तगड़ा है, और वहाँ पे भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो यहाँ से उतर कर चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर चढ़ाना काफ़ी, और पंकज का फ़ोन आ गया, बिजनेस शेयर मामला है इसका भी थोड़ा तो यहाँ पर थोड़ी चढ़ाना है, और उतर के चढ़ानी पड़ रही है। तो अभी यहाँ से ऊपर चढ़ कर आ चुके हैं, और यहाँ एक ऑफ रोडिंग का बड़ा ज़बरदस्त है। भाई साहब मज़ा आएगा, देखो अभी हम करने क्या वाले हैं आपको पहले बता दूँ। देखो इस ढलान से लेके जाएंगे, और जो रेता है ना सामने, रेते के ऊपर चढ़ा देंगे, और जो कि काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। देखो पीछे ढलान है, और ढलान से इस रेते के ऊपर चढ़ाएंगे। देखो तो प्लान कर रहे हैं पहले कौन करेगा, क्योंकि ख़तरनाक है, और रेते के ऊपर चढ़ाना भाई साहब मज़ा भी आने वाला है, और रेता काफ़ी ठोस हो रखा है। देखो जोर लाना पड़ेगा जब रेते के ऊपर से कूदेगी, तो अभी काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी देखते हैं पहले कौन करता है, शायद पहले मैं ही करूँगा, क्योंकि पंकज कह रहा है पहले आप ही करो, उसके बाद करते हैं। तो अभी करने की बारी है मेरी, और अब करते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा भाई साहब, मज़ा काफ़ी आने वाला है। देखो वहाँ से ऊपर से ढलान है, और ऊपर से एकदम रेते के ऊपर आएंगे, तो पंकज पकड़ेगा कैमरा,
और मैं चलाता हूँ साइकिल। ओह तेरी भाई साहब काफी मजा है यहाँ पर, और साइकिल एकदम कूद गई स्टंट वाले में, आवाज नहीं आ रही होगी, पास भी लेगा होगा। साइकिल यहाँ ऐसा कूद गई स्टंट लग गया जैसे स्टंट नहीं होता भाई साहब, पूरा मजा आ गया। तो अभी ऑफ रोडिंग हो चुकी है और पीछे ऑफ रोडिंग करी आपने देखी वीडियो, और अभी पसीना भी आ चुका है क्योंकि जोर पड़ता है, शरीर पे पसीना आ गया है। और अभी चलते हैं नहर की साइड में, देखते हैं नहर में पानी जिधर साइड कम है ना उधर थोड़ा पानी के अंदर तक जाएंगे, तो अभी उधर साइड ही चलते हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है। पंकज तो रेडी हो गया वहाँ जाने के लिए, तो अभी पंकज के पास चल कर देखते हैं। वो देखो पंकज वहाँ पर रेडी आ जाने के लिए, और वहीं पर अपने जूते निकाल लेंगे उसके बाद जाएंगे वहीं पर देखते हैं। और पीछे अभिषेक जी भी आ ही रहे हैं, तो साइकिल कर देते हैं यहीं पर खड़ी, उसके बाद यहाँ पर चले गए साइड में। तो अभी यहाँ पर अपने जूते निकाल रहे हैं, और पंकज ने यहाँ पर अपने जूते निकाल भी दिए अभी, क्योंकि मेरे से पहले आ गए थे, रेडी हो गया था। पानी काफ़ी ठंडा है और काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। दोस्तों भी जूते निकाल दिए हैं, अब चलते हैं। थोड़ी थोड़ी पैंट भी फोल्ड करनी पड़ेगी, तो पैंट एक बार फोल्ड कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, जिससे कि भीग गए ना। भाई साहब तो इधर जूते निकाल दिए हैं, इधर जूते निकाल दिए, पीछे साइकिल खड़ी है, और यहाँ देखो पंकज मेरे से आगे जा रहा है, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है तो भाई साहब, और पानी काफ़ी ठंडा भी है, कोई है। कैसी कैसी लाइन सी लग रही है पैरों में, आगे वाला पैर रख देगा एक बारी है ना, तो नीचे लहरों की लाइन बनी हुई है और पैरों पर रख रहा है, तो लाइन सी लग रही है पैरों पर, और पैंट भीगनी शुरू हो गई। देखो यहाँ पर पानी आ गया, हमारे पैरों तक पानी आ चुका है, थोड़ी पैंट थोड़ी और ऊपर चढ़ाते हैं, पैंट थोड़ा और ऊपर चढ़ाते हैं, पैर हमारे पूरे जहाँ तक हमारी पैंट है वहाँ तक हमारे पैर पानी आ चुका है, तो ज़्यादा आगे जाएंगे तो पैंट भीग सकती है, तो जो है बहुत ठंडा पानी है, मज़ा आ रहा है पूरा। तो देखो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, हमारे पैरों के पैंट के वहाँ तक पानी पहुँचने वाला है, हम इसमें ना यहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो साइड में रेता होता ना रेते वाली वो है, और पत्थर से भी थोड़े लगे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा आगे जाएंगे तो थोड़ा पानी ज़्यादा है, और अभी हमारे पैर बिल्कुल सुन हो चुके हैं, तो अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं, और काफ़ी समय भी हो चुका है क्योंकि पंकज को इसके बाद ट्यूशन जाना है, और अभी इधर आकर अपने जूते पहनते हैं, हमारे पैर बिल्कुल सुन हो गए बिल्कुल, तो अभी जूते पहन लेते हैं उसके बाद चलेंगे। तो अभी यहाँ से बाहर निकल कर आ चुके हैं, जूते भी पहन लिए, और काफ़ी ठंडा पानी था, अभिषेक जी भी आ गए और पंकज भी आ गया है, तो अब यहाँ से चलते हैं, काफ़ी समय हो चुका है, तो अभी 4:30 बज चुके हैं और अभी चलते हैं, 5 बजे पंकज का ट्यूशन है। तो अभी घर पहुंच चुके हैं, आज काफ़ी मज़ा आया आपने वीडियो देखी, और नहर का पानी काफ़ी ठंडा था, जैसा कि आप सभी को पता ही है उत्तराखंड में नहर का पानी बहुत ठंडा रहता है, जो गंगा जी है उसमें से ही एक पार्टी निकल कर आ रहा है जिसका पानी काफ़ी ठंडा रहता है, और स्विमिंग करने में काफ़ी आनंद आता है गर्मियों के समय, जब तो पानी बहुत ठंडा रहता है काफ़ी आनंद भी आता है, जैसे जैसे गर्मी आती रहेंगी गर्मियाँ बढ़ती रहेंगी आपको स्विमिंग करके भी दिखाएंगे, पूरी मस्ती आएगी स्विमिंग में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है जल्दी नई वीडियो में।